आज आप सीखने वाले हैं कुछ बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट ट्रिक्स जो कि आपको एग्जैक्ट वे होगा सिंप्लीफिकेशन को बनाने का, और इससे आसान तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा सिंप्लीफिकेशन को बनाने का। इस बहुत छोटे से वीडियो में मैं आपको पूरा सर्ट्स एंड इंडिसेस, जिसे हिंदी में घातांक एवं करनी भी कहते हैं, उसे आप समझ लेंगे मेरे साथ अभिषेक सिंह के साथ एग्जैक्ट वे पे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको लगता है कि आप इस चैप्टर को अच्छे से जानते हैं तो जल्दी से इसका आंसर आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। क्वेश्चन है, 3 टू द पावर -1 प्लस 4 टू द पावर -1 प्लस 5 टू द पावर -1, और ये सभी ब्रैकेट के अंदर में आता है 2 द पावर 0, और इसे अगर हम डिवाइड करते हैं 1 टू द पावर 0 से तो इसका वैल्यू क्या आएगा। जज कीजिए आपको कितना आता है, नीचे कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। फिर हम देखेंगे इसका ट्रिक क्या है और मुजवानी इसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है। क्या इस क्वेश्चन को आप सीधे देख करके आंसर कर सकते हैं बिना कलम पेन उठाए हुए? एक बार पूरा क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और देखिए कि आप बिना कॉपी पेन के आप इसे बना सकते हैं कि नहीं। मैं तो बना सकता हूं, आप भी बना लेंगे अगर आप इस वीडियो को अच्छे से समझ लेते हैं, अच्छे से पूरे ध्यान से देखते हैं। तो बहुत ही मजेदार ट्रिक्स है, और इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपको जो भी एग्जाम आप दे रहे हैं, जिस भी साल के क्वेश्चंस के साथ आप प्रैक्टिस करते हैं, इसमें बताए गए ट्रिक्स आपको हर साल के पेपर में 5 से 7 नंबर के क्वेश्चन में अप्लाई होते हैं। तो जरूर इसे ध्यान से देखिएगा पूरे सीरियसनेस के साथ। आज आप सीखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जैक्ट वे ट्रिक्स। अगर आप अपना आंसर आपका आ गया है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले तो इसका आंसर हो जाएगा 9 - 8/16, मतलब 1/16। ये भी लिखना पड़ रहा है इसलिए आपको लगा, नहीं तो ये सिर्फ क्वेश्चन देखने के बाद ऑप्शन हम देखेंगे और सीधे आंसर मार देंगे 1/16 वाले पे। उससे ज्यादा समय लगाना भी नहीं है, बस यहाँ पे आपको कुछ कुछ करके तो दिखाना जरूरी है ना। उसके बाद हम लोग जल्दी सीखने जा रहे हैं इसका क्या है ट्रिक, सारा चीज समझेंगे, बहुत ही प्यार से समझेंगे, आसान भाषा में समझेंगे और आप पूरा सीख लेंगे। अब इस क्वेश्चन को जल्दी से देखिए, अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो नीचे पहले कमेंट करके नीचे मुझे बताइए कि कितने लोगों को आता है, कितने लोग एक्सपोनेंट्स एंड पावर या फिर सर्ट्स एंड इंडिसेस या फिर घातांक एवं करनी से पहले पढ़े हुए हैं, ये चैप्टर्स आप पहले पढ़े हुए हैं। ये इसका सिंप्लीफिकेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, और ना केवल सिंप्लीफिकेशन में, इसके इंपॉर्टेंट ट्रिक्स जो होते हैं वो हर चैप्टर में इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इस चैप्टर को अगर आप पढ़े हुए हो तो मुझे नीचे कमेंट करके बताइए और इसका आंसर भी कमेंट करके बताइए। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। कुछ नहीं होगा सर, सीधे आप 5 5 को मल्टीप्लाई कीजिए, फिर 5 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होता है 25 × 4 100, 100 टू द पावर -3, यानी कि 1/100 आपका आंसर आ गया। बस कुछ नहीं करना, देखना था और आंसर करना था। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा बार आपको पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, और आपको इसका सही आंसर बताना है बहुत ही आसान से और बिना कॉपी पेन उठाए हुए। अगर आपको बनाना है तो कैसे बनाया जा सकता है, जल्दी से सोचिए इसका आंसर, नीचे कमेंट करके बताइए। वीडियो को पॉज कर लीजिए अगर आपको थोड़ा सा समय लेना है तो, और नीचे कमेंट करके पर जरूर बताइए। हम लोग जल्दी सीखने वाले हैं, बहुत ही जल्दी सीखने वाले हैं। पहले ये जादू देख लीजिए कि ये जादू होता कैसे है, जादू होता भी है कि नहीं होता है, मैं जो बोल रहा हूं क्या इतना कम समय लगाया जा सकता है या नहीं लगाया जा सकता, वो आपको देखना दिखाना पहले जरूरी है। उसके बाद आपको ये बताना जरूरी है कि ये जादू होता कैसे है और आप इस जादू को कैसे कर सकते हैं, एग्जैक्ट वे क्या है इस तरीके के क्वेश्चंस को बनाने का, वो आप आज सीखेंगे। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 2 द पावर -7 है ना, और इधर -5 है आपको पावर, तो ये आपका क्या हो जाएगा 5 टू द पावर -2 × 8 टू द पावर -5 प्लस 7, कितना होता है तो 2 होता है। बस आपका आंसर आ गया 8 टू द पावर 2/5 5 टू द पावर 2, यही आपका आंसर रहेगा। और इसे अगर सिंप्लीफाई करना चाहे तो 64/25, बस हो गया आंसर, खत्म कहानी। मतलब मुझे ये चीजें बस आपको बताना है कि ये चीजें की जा सकती है, इसलिए इतना स्टेप लिखना है, नहीं तो ये सीधे देखना था और आंसर कर देना था। अब चलिए सीख लेते हैं कि इसका एग्जैक्ट वे क्या है, ट्रिक्स जान लेते हैं कि कौन से ट्रिक्स यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं। तो चैप्टर है सर्ट्स एंड इंडिसेस, जिसे घातांक एवं करनी भी कहते हैं या फिर एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स भी कहते हैं। जब मैं लिखता हूं 10 तो ये क्या है, सीधे कुछ नंबर है आपको दिया हुआ है, इसके ऊपर में अगर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 तो आप इसे कैसे पढ़ते हैं, तो 10 टू द पावर 2 पढ़ते हैं, जिसमें 10 क्या है तो 10 आपका बेस कहलाता है और ये 2 क्या कहलाता है तो 2 आपका पावर कहलाएगा, समझ गए। इसे बेसिकली आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, a टू द पावर m लिख सकता हूँ, यहाँ पे a क्या होगा कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे m जो है यानी कि पावर जो है ये पॉजिटिव ही रहे, ये जरूरी नहीं है, ये m जो है आपका निगेटिव भी हो सकता है, -1 -2 -3 कुछ भी हो सकता है, या फिर आपका 0 भी हो सकता है। ठीक है, पावर कुछ भी हो सकता है,
और इस पावर का वैल्यू हम समझेंगे, ये माइनस वन और ये जीरो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे हम समझेंगे। अच्छा, अब ये 10^2 को हम लिखते कैसे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब हो गया 10 को आप दो बार गुना करेंगे, यहीं पे 10^3 रहता तो क्या होता, तो हम एक बार और 10 को गुना कर देंगे। मतलब जो भी बेस है उसके ऊपर जितना पावर दिया हुआ है उतना बार बेस को अपने आप से ही गुना करना है। मान लेते हैं 2^4 है, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, तो 2 × 2 × 2 × 2, कितनी बार 2 को हमने मल्टीप्लाई किया 2 से, तो 4 बार मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पे आपको पावर दे रखा है 4 बार। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट तक आपको ले जा रहा हूँ, इसलिए ये यहाँ पे ये चीज छोड़ के रखा हूँ, उसे आपको समझना बहुत जरूरी है। अभी तक आप सिर्फ रट लेते थे चीजों को, अब आप समझेंगे। देखिए 2^4 का वैल्यू तो आप समझ गए, एक चीज समझिए 2^0 का वैल्यू कितना होगा और 2^-1 का वैल्यू कितना होगा। तो एक बात याद रखिए, कोई भी बेस हो, कुछ भी बेस हो, 2 हो, 2000 हो, 2 लाख हो, 2 करोड़ हो या 1 हो, कुछ भी बेस हो, उसके पावर में अगर 0 दिया हो तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और अगर अगर कुछ भी बेस हो, कोई भी बेस हो, 2 हो, 2000 हो, 200 हो, 2 करोड़ हो, 2 अरब हो, कुछ भी हो, उसके 2^-1 दिया हो, तो हम क्या करेंगे, वो जो बेस है उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। यानी कि क्या करते हैं, रेसिप्रोकल में 1/2 जो भी बेस दिया हुआ है उसे लिख देते हैं, तो ये 1/2 हो जाएगा। अच्छा, माइनस वन की जगह कोई और पावर रहे तो माइनस के साथ, तो देखिए 2^2 या फिर चलिए कुछ और ले लेते हैं, 4^2 अगर यहाँ पे -7 दिया रहे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। बस आपको यहाँ पे ये देखना है कि पावर में माइनस है या नहीं, अगर माइनस है तो हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे उस बेस का। तो यहाँ पे बेस क्या है, 4 है, तो यहाँ पे बेस हम यहाँ पे 4 ले लेंगे और उसके बाद जो पावर दे रखा है ना वो पावर आप सीधे लिख देंगे। तो यहाँ पे 4^7 लिख दीजिए आप, यही इसका आंसर होगा। और उसके बाद हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे, अभी बस यहाँ तक समझना था हमें। जल्दी ही हम लोग क्वेश्चन तक पहुंचेंगे, क्वेश्चन पे आएंगे, कैसे कैसे चीज हुआ है, जादू कैसे हुआ है, वो सारी चीजों को समझेंगे। पहले इसके पीछे का जादू आप कर कैसे सकते हैं वो समझना जरूरी है। अब आप एग्जैक्टवे से पढ़ रहे हैं तो चीजों को आप पूरा समझेंगे, पूरा जादू करना सीखेंगे, कम से कम समय में चीजों को बनाना सीखेंगे, हर चीज सीखेंगे, आसान भाषा में सीखेंगे। तो यहां तो अपने यहां तक आप समझ गए कि जो भी चीज हो 2^0 हो, अगर बेस के पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है, और बेस की पावर माइनस में हो तो रेसिप्रोकल कर देंगे हम उसका और उतना पावर लिख देंगे। यहां तक कुछ भी दिक्कत हो तो नीचे कमेंट करके पूछिए, अगर कुछ भी दिक्कत हो तो नीचे कमेंट करिए, और अगर जो ना दिक्कत हो तो नीचे लाइक भी जरूर कीजिए और नीचे आप बताइए कि कैसा लग रहा है। मैं आपको एक और चीज बताऊंगा, जो आप हमेशा ये चीज रहता है कि आपको बोल दिया जाता है, टीचर्स बोल देते हैं कि 2^0 को का वैल्यू 1 होता है, इसे आप मान लीजिए, ऐसा क्यों माने हम, और 2^-1 का वैल्यू 1/2 होगा, मतलब जो भी बेस है उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ऐसा क्यों हो जाएगा, कभी पूछा है आपने अपने टीचर से? पूछना चाहिए। अगर वो आपको पढ़ा रहे हैं, आपसे पैसे ले रहे हैं, तो उनका ये काम है कि आपको हर चीज समझाएं। अब चलिए ये समझ लेते हैं कि 2^0 1 क्यों होता है, 2^-1 रेसिप्रोकल क्यों हो जाता है उस बेस का, ये चलिए समझ लेते हैं। यहाँ पे 2^4 तो हमने समझ लिया, 2 को 4 बार गुना करना। यहाँ पे अगर 2^3 रहता तो क्या करते, 1 ये 2 को हटा दिए रहते, तो 2^3 का वैल्यू आ जाता 2 × 2 × 2, यानी कि बेस को 3 बार गुना कर देना अपने आप से। अब जल्दी से सीख लेते हैं कि कैसे ये 2^0 = 1 होता है। देखिए 2^3 तो आपने ये लिख दिया, 2^2 का वैल्यू कितना होगा, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 × 2, ये तो आसान है। लेकिन अगर हम इसे ऐसे लिख देते 2 × 2 × 2 / 2, तो क्या गलत हो जाता? बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि ये 2 से 2 कट जाएगा तो ये आएगा, तो वही चीज ना, 2 × 2, और इसका वैल्यू 2^2 तो यही है। अब यहाँ पे 2^1 अगर 1 दिया रहे तो हम क्या लिखेंगे, 2 जो आपका बेस है उसको एक ही बार खुद से गुना करना है, यानी कि 2 को खुद से कितना बार गुना करना है, एक ही बार करना है, तो 2 यहाँ पे ये दिया हुआ है। लेकिन क्या ये ऐसे नहीं लिखा जा सकता है 2 × 2 / 2, ये 2 से 2 कट जाएगा और ये 2 का 2 बच जाएगा बस, मतलब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? तो देखिए, अगर मैं बोलूं 2^0 कितना है, तो हम क्या कर रहे थे अभी तक, जितना भी आपको पावर दे रखा था उससे एक अधिक बार गुना करते थे और नीचे में उसी बेस से डिवाइड दे देते थे। तो यहाँ पे 0 अगर पावर है तो हम कितना बार गुना करें, अगर हमें इस फॉर्मेट में लिखना हो तो हम क्या करेंगे, 1 बार 2 से गुना कर देते हैं, और किससे डिवाइड देंगे, 2 से डिवाइड दे देते थे जो बेस था, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2/2 कितना वैल्यू आता है, 1। और यही चीज यहाँ पे देखिए, 2^0 कितना आ रहा है, 1, तो ये आ गया या नहीं आ गया। तो इसी चीजों को मैं आपको यहाँ पे प्रूफ करके बताऊं, आप इसे सीधे रट सकते हैं, 2^0 कितना होता है, तो 1 होता है। अब इम्पोर्टेंट आ गया, 2^-1 को हम कैसे लिख सकते हैं।
इसे प्रूफ करने के लिए एक और चीज जरा ध्यान दीजिए कि जो भी पावर हम लिख रहे हैं, 2 to the power जितना लिख रहे हैं, उसका वैल्यू जो आता है वो क्या होता है। तो 2 to the power 2 का वैल्यू था 2 into 2, ये कैसे आया? तो 2 to the power 3 का जो वैल्यू आता है उससे हम लोग डिवाइड दे देते हैं 2 से। तो उसी तरीके से 2 to the power 0 का हमने यहाँ पे वैल्यू लिखा है वो क्या लिखा है, तो 2 to the power 0 से एक ज्यादा क्या है, 2 to the power 1, जिसका वैल्यू आया था आपको 2, और उस 2 को हम लोग डिवाइड दे दिए किससे, तो इस बेस से दे दिए 2 से। तो 2 to the power 1 का वैल्यू, -1 का वैल्यू क्या होगा, तो 2 to the power -1 से एक अधिक क्या होता है, 2 to the power 0, इसका वैल्यू क्या आया है, 1 आया है। इसको हम लोग डिवाइड किससे देंगे, तो 2 से देंगे, तो ये 2 से हमने दे दिया, आपको ये आ गया आंसर कि 2 to the power -1 का वैल्यू क्या आता है, 1/2 आता है। तो ये चीजें हमने प्रूफ करा है, बेसिकली आपको ये समझना था, लेकिन आप इसे याद ही कर लीजिए, आपको प्रूफ थोड़ी करना है, आपको ये सारी चीजें बस जानकारी रखना है कि ऐसा होता है तो क्यों होता है, वाकई ऐसा होता भी है या नहीं होता है, ये मेरा बताना आपका मकसद था। अब हम लोग एक्चुअल गेम पे चलते हैं। अब कुछ ट्रिक्स मैं बता रहा हूं, उसे आप अच्छे से याद कर लीजिए, ध्यान दे रखिए। पहला है, कोई भी बेस हो उसके पावर में m हो, जब आप उसे डिवाइड दे रहे हो, सेम बेस यानी कि सेम बेस a है और उसके पावर में n है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा a to the power m-n। दूसरा है, अगर a है बेस और उसके पावर m है और उसे ब्रैकेट में हम डाल देते हैं और इसको भी एक पावर दे देते हैं, क्या दे देते हैं, n दे देते हैं, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, a to the power mn लिख सकते हैं, मतलब m और n को मल्टीप्लाई करके हम लिख देंगे। एक एग्जांपल दे देता हूँ, चीजों को आप अच्छे से समझ लीजिएगा। ये मान लीजिए 2 to the power 5 रहता और ये दिया रहता 2 to the power, यहाँ पे अगर n के जगह पे हम क्या ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, तो इसका वैल्यू क्या आ जाता, 2 to the power 5-3 आ जाता, तो ये क्या होगा, 2 to the power 2 हो जाता। इसको अगर एग्जाम्पल से समझे तो ये क्या है, 2 to the power मान लीजिए 5 था और ये ब्रैकेट में हमने लिख दिया, n के जगह पे क्या माना, 3 मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा, 2 to the power, ये 5 और 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5 15 हो जाएगा। अब ये एक और इम्पोर्टेंट, a to the power m हो, इससे अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं सेम a to the power n से, यानी कि बेस सेम रहे पावर अलग अलग रहे, तो आप अगर इसे गुना करते हैं तो क्या होगा, e to the power जो सेम बेस है उसे लिख देंगे और उसके ऊपर में क्या लिख देंगे, तो जो पावर है उन्हें हम लोग ऐड कर देंगे। मान लीजिए एक एग्जांपल दे दिया जाए, 2 to the power यहाँ पे 5 है और इनटू क्या, 2 to the power 4 चलिए मान लेते हैं, तो ये क्या वैल्यू आ जाएगा, 2 आपका जो बेस है वो लिख देंगे और ऊपर में 5+4 कर देंगे, ये 5+4 कितना होता है, 2 to the power 9 हो जाएगा, यही आपका आंसर आ जाएगा। एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ ट्रिक, ये क्या है, मान लीजिए अलग अलग बेस हो, यहाँ पे a मान लेते हैं, इसका पावर मान लेते हैं m, और नीचे क्या मान लेते हैं, b मान लेते हैं, और इसके भी पावर में क्या मानते हैं, m, मतलब पावर यहाँ पे दोनों जगह सेम है बट बेस जो है अलग अलग है, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, a/b/same power जो है आपका, उससे ये लिखा जा सकता है। मान लीजिए एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं, यहाँ पे 2 to the power 5 दे रखा है और नीचे में डिवाइड इसे करना है हमें किससे, तो 3 to the power 5 से, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2/3, आप इसका पावर क्या लिख दोगे, 5 लिख दोगे, सेम आंसर आ जाएगा, जो वैल्यू 2 to the power 5 को गुना करने, ये वैल्यू लिखने के बाद इसको इसका नीचे वैल्यू लिखते और सिंप्लीफाई करते, उसका जो वैल्यू आएगा वही इसका भी वैल्यू आएगा, दोनों बराबर आएगा, ठीक है। और बेसिक तो आप जान ही रहे हैं कि a to the power 0 का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, और a to the power -1 का वैल्यू कितना होगा, तो 1/a होगा, a to the power -m का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1/e to the power m। चलिए अब सभी चीजों को, सारे जादू को आप समझ गए हैं, अब चलिए जादू देखते हैं हुआ कैसे था। तो पहला क्वेश्चन आपका ये था जिसे हमने ये सॉल्यूशन बनाया, सॉल्यूशन को थोड़ा सा साइड कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, एक बेसिक सा आपको यहाँ पे मैं आपको बताया हूं कि a to the power -m का वैल्यू क्या होता है, तो 1/a to the power m होता है, मतलब जो भी बेस दिया हुआ उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, 1/base कर देंगे, ठीक है। लेकिन ये बेस ही अगर आपको रेसिप्रोकल में दिया रहता है, यानी कि 1/a to the power आपको यहाँ पे दे रखा होता, क्या दे रखा होता, तो -m दे रखा होता, तो क्या करते, तो ये क्या करते, 1/1/a आ जाता, तो ये a ऊपर चला जाता है, तो और 1 से 1 हो गया, तो इसका वैल्यू क्या आ जाता, तो सीधे आ जाता क्या, a to the power m आ जाता। तो यहाँ पे क्या आता, 1/3 है, तो इसको ये 3 ऊपर चला जाता, ये सीधे 3 के पावर में 2 आ जाता, और ये क्या आ जाता, तो 2 के पावर में 3 आ जाता, और ये
ब्रैकेट के अंदर में आ गया और इसे हम डिवाइड करते किससे, तो ये 1/4 क्या वैल्यू आ जाता, तो यहाँ पे 4 आ जाता वैल्यू, इसका रेसिप्रोकल हो जाता यानी कि 1/1/4 हो जाता और इसके स्क्वायर में हम लिख देते। ये क्या होता, 3 to the power 2 का वैल्यू कितना आता है, 9 होता है, 9 - 2 to the power 3 कितना होता है, 8 होता है, इसे अगर आप डिवाइड करेंगे किससे तो 4 चौका 16 और ये आपका क्या वैल्यू आ जाएगा, 1/16, यही आपका आंसर था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, अगर कहीं दिक्कत हो तो थोड़ा सा रिवाइंड कीजिए, चीजों को आराम से समझिए और नीचे कमेंट करके पूछिए किस जगह पे कुछ भी अगर दिक्कत हो तो बेझिझक पूछिए, और अगर दिक्कत ना हो तो नीचे लाइक जरूर करें। अब इस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बेस जो है वो अलग अलग है लेकिन पावर सबका सेम है, -3, -3, -3, -3 सब में पावर आपका सेम दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे सभी बेस को पहले मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके 2 to the power वही जो आपका पावर है वो लिख देंगे। ये कुछ इस तरीके होता है से होता है, a^m हो (b^m) हो (c^m) हो तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, a, b और c^m। तो यहाँ पे क्या हुआ, -4 × 5 × 5 पहले कर दिया गया है, सारे बेस को एक जगह पे मल्टीप्लाई कर दिया गया है, यहाँ -5 है और इसके 2^ क्या लिख दिया गया है, -3 लिख दिया गया है। अच्छा यहाँ पे 2^ माइनस ये 3 होना चाहिए था। अब यहाँ पे क्या होता तो 25 चौका 100 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 2^-3 तो इसे -3 को हम जानते हैं क्या करेंगे कि इस जो बेस है उसका रेसिप्रोकल लेंगे और सेम पावर वहाँ पे लिख देंगे और 2^3 लिख दो, या फिर आप यहाँ पे 1 to the power 100 का पावर यहाँ पे इस तरीके से लिख दीजिए। बात तो बराबर ही, क्योंकि 1 to the power 3 का भी वैल्यू क्या आएगा, 1 ही आएगा, 1 पे किसी का भी पावर आप लिखोगे 1 ही आएगा, तो ये आपका आंसर आ गया। अब इस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, यहाँ पे कुछ भी देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे बस आपको एक चीज दिख रहा है कि 2^ माइनस में है, तो माइनस में होता है तो क्या करते हैं हम चीजों को, जो रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो यहाँ पे इसे हम लिख सकते हैं अगर ब्रैकेट को तोड़े तो लिख सकते हैं कि नहीं 5 to the power -7 / 8 to the power -7, देखिए पूरा तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ, इतना तोड़ने की जरूरत नहीं है आपको अगर आप समझ रहे तो, और यहाँ पे 8 to the power -5 लिखा जा सकता था और यहाँ पे 5 to the power -5 लिखा जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे -7 है तो माइनस का क्या मतलब हो जाता है, माइनस का मतलब जो भी आपका बेस है उसको आप क्या करेंगे नीचे लिख देंगे, या 1/5 यहाँ पे आ जाता है, तो 1/5 और ये 8 to the power -7 है तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 1/8 होगा, तो यानी कि ये 8 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 8/5 आ जाएगा, ये 2^7 और ये 2^7। और उसी तरीके से यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये भी ये नीचे वाला 5 ऊपर चला जाएगा और नीचे ऊपर वाला 8 नीचे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 5/8 और ये 2^5 और ये 2^5। अच्छा एक थोड़ा सा मैं मन में शंका दूर कर देता हूँ, ये 5 to the power -7 और 8 to the power -7 ये ऊपर नीचे कैसे आ गया, तो देखिए ये आप इस तरीके से लिख सकते हैं 5 to the power -7 / 8 to the power -7 लिखा जा सकता है, सोचिए सोचिए लिखा जा सकता है या नहीं, तो बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब मैं क्या बोला हूँ, अगर 2^ में रहे तो क्या करेंगे 1/5 कर देंगे और ये आपका क्या आ जाएगा 2^7 हो जाएगा, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी डिवाइड दे रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा 1/8 2^7 हो जाएगा। तो आप इसे कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये 1/5 to the power 7 है और ये डिवाइड के जगह पे हम अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1/8 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा और 2^7 तो यही हो गया ना 8 to the power 7 / 5 to the power 7, यही चीज हमने यहाँ पे लिखा है कि नहीं लिखा है, तो ये इसी तरीके से मतलब अगर माइनस में दिया हुआ है तो ऊपर वाले को नीचे और नीचे वाले को ऊपर कर देंगे अगर दोनों जगह माइनस दिया हुआ है तो, समझ गए आराम से। अब मेरे ख्याल से किसी को भी दिक्कत नहीं हुआ होगा, अगर जो लोग भी इस चीज को समझे हुए हैं और लग रहा है कि चीजों को बहुत ज्यादा बेसिक से बता रहा हूं तो प्लीज मेरी मजबूरी समझिए कि मुझे मेरी चाहत है कि सब लोगों को समझ में आए, कि कोई भी एक स्टूडेंट को किसी भी चीज में दिक्कत ना हो, क्योंकि मैथ से बहुतों को दिक्कत होता है, तो मैथ्स दिक्कत की चीजें नहीं है, इसमें बहुत सारी जादू होता है और उन सभी जादू को आपको सीखना है, तो मैं चाहता हूं कि चीजों को बहुत ही बेसिक से समझाया जाए ताकि ये दिमाग में आपके पूरा छप जाए, तो मेरी इस कोशिश पे थोड़ा जरूर प्यार दीजिएगा मुझे और थोड़ा सा दुआ मेरे लिए भी किया कीजिएगा। तो चलिए अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे बहुत ही आसानी से 8 to the power 7 और ये 8 to the power 5 है, सेम बेस दिख रहा है 8 to the power 5, मतलब हम क्या कर रहे हैं ये वाले चीज को यहाँ ले आ रहे हैं और ये वाले चीज को यहाँ ले आ रहे हैं, क्योंकि सेम बेस वाले जगह पे सेम बेस वाले को ले आ रहे हैं, तो इंटू 5 to the power 5 और ये नीचे क्या आ जाएगा 5 to the power 7 आ जाएगा, तो ये इसका वैल्यू अब क्या आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 8 to the power 7 - 5 और इंटू 5 to the power 5 - 7, तो ये आपका क्या गया 8 to the power 2 और इंटू 5 to the power -7 -2, तो यही आपका आंसर आया था, बस सिंपल।
तो ये तोड़ तोड़ के समझाया, लेकिन ये आपका एग्जैक्ट वे है, इतना दूर ये इस तरीके से आपको एग्जैक्ट वे करना है और ये देख करके सीधे बनाना है। अब ये एट लास्ट जो क्वेश्चन मैं आपको सबसे पहले दिया था, इसका आंसर क्या होगा, इसका सीधे आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर आपका एक आएगा, ये बस देख करके आंसर करना था। अगर आप लोग इसका आंसर कर पाए हैं तो नीचे अब अभी अभी इस टाइम पे इसका रीजन मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर वन क्यों होगा। कोई चीटिंग मत कीजिएगा, अभी वीडियो पॉज कीजिए और नीचे इसका रीजन मुझे बताइए। मैं जानना चाहता हूँ कि कौन लोगों को इसका रीजन पता है, कितने लोगों ने ध्यान से चीजों को पढ़ा है। तो वीडियो पॉज कीजिए क्योंकि अब मैं इसका रीजन बता रहा हूँ। तो आप खुद रीजन जानने से पहले अपना रीजन नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, तभी आप चीजों को सीखेंगे। वैसे तो ऐसी चीजें बस आप देखोगे और ये आगे बढ़ते जाएगा और इसका कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। तो वीडियो पॉज कीजिए, नीचे रीजन बताइए। अब मैं रीजन आपको इसका बता रहा हूँ। मैं आपको बता चुका हूं कि e टू दी पावर अगर जीरो दिया हो तो इसका वैल्यू क्या होगा, सीधे वन हो जाएगा। और अगर हम इसे डिवाइड भी देंगे किससे, तो e टू दी पावर या फिर b टू दी पावर जीरो से, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये वन बाई वन हो जाएगा, जिसका वैल्यू वन होता है। तो ये यहाँ पे कुछ भी ये इतनी दूर सिंप्लीफिकेशन कुछ भी दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके पावर में क्या दे रखा है, तो ये जीरो दे रखा है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, वन आएगा। और यहाँ पे डिवाइड करना है यानी कि बट्टे में, और ये वन टू दी पावर जीरो, तो वन टू दी पावर जीरो का भी वैल्यू क्या आएगा, वन ही आएगा ना सर। तो ये वन बाई वन क्या आता है, वन आता है। तो यही आपका आंसर आ गया। तो आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिए। ये बहुत सारे चैप्टर में जो भी आपको आइडेंटिटीज, जो भी आपको ट्रिक्स बताया हूं, वो बहुत सारे चैप्टर्स में इसका इस्तेमाल होता है। सिंप्लीफिकेशन में तो मैक्सिमम इसका इस्तेमाल होता है, 5 से 5 नंबर के क्वेश्चन में आपको इसके जो एलिमेंट्स है वो डाल दिए जाते हैं और चीजों को पूछा जाता है। तो समझ लीजिए आज का ये वीडियो आपको 5 से 7 नंबर का हर एग्जाम में, हर पेपर में आपसे इसका ये हेल्प मिलेगा आज के इस वीडियो से। तो मैथ्स जो है पूरा जादू का ही चीज है। मैथ्स एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें खूब सारा जादू होता है। बट जादू का मजा तब आता है जब आप उसे देखो, तो देखने में तो अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप जादू करना भी जान गए, जादू कैसे हुआ है ये भी जान गए, तो आपको असली आप उसका फायदा एग्जाम में ले पाएंगे। तो एग्जैक्ट वे के साथ आप जुड़ सकते हैं, हर क्लास में आपको कुछ न कुछ मार्क्स ओरिएंटेड चीजें पता चलेंगी और आसान भाषा में पता चलेगा। बहुत ही मजेदार क्लासेस रहने वाले हैं आगे की क्लासेस जो भी होंगे। और अगर आपको मेरे बताने का जो तरीका है, जो भी चीजों को एक्सप्लेन करने का तरीका है, अगर आपको अच्छा लगता है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने का जिसमें आपको पूरा चैप्टर्स, पूरा कोर्स जो है वो प्रोवाइड किया जाए। तो मैं बहुत जल्दी फुल कोर्स लेकर के आने वाला हूँ, जिसमें मैं हर चैप्टर को सिलेबस वाइज सिस्टमेटिक ढंग से सारे कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स के साथ प्रीवियस ईयर के पिछले 10 सालों के क्वेश्चंस पे अप्लाई करके उन कॉन्सेप्ट की मदद से कम समय में कैसे आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं वो बताऊंगा। और साथ में नए पैटर्न के जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो अब पैटर्न है उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस नए पैटर्न पे आते हैं, उन सारे पैटर्न को हम लोग कवर करेंगे। और जो जो पैटर्न पूछा जा सकता है उन सारे पैटर्न को हम लोग कवर करेंगे। तो मैथ्स का अर्थमेटिक और एडवांस पे मैं अभी कोर्स जो है बहुत जल्दी आने वाला है मेरा, और फिर उसके ही साथ मैं आपको रीजनिंग का भी फुल कोर्स देने वाला हूँ। और ये तीन चीज आप एग्जैक्ट वे के पुराने जितने भी वीडियोज हैं उनके साथ जरूर जुड़िए, आप खुद पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट वे आपको किस तरीके का चीज देता है। और एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर मन में ये लग रहा होगा कि ये पेड रहेगा या क्या रहेगा, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये पेड तो जरूर रहेगा, पर इसका फी इतना कम रहेगा जो आपको इसको लेने में 2 बार से 3 बार बिल्कुल भी सोचना नहीं पड़ेगा। क्योंकि मैं जितना कोशिश कर सकता हूँ, जितना ज़्यादा प्लेटफॉर्म को खड़ा करने में जो भी कॉस्ट कटिंग किया जा सकता है, अपने एंड से खुद मेहनत करके चीज़ों को बिल्ड किया जा सकता है, वो सारी चीज़ें कर रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ों को सीखना पड़ रहा है और बहुत सारी चीज़ों को खुद से करना पड़ रहा है, ताकि जो एक्स्ट्रा खर्च है वो सारे खर्चों को मैं बचा सकूँ अपने एंड से, जिसका प्रभाव आपको ना पड़े। तो यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा ईमानदार कोशिश कर रहा हूँ, चीज़ें आपको बहुत ही पसंद आएगा आने वाले टाइम में। आप देखोगे जितने लोग उस कोर्स के साथ जुड़ते हैं उन्हें एग्जैक्ट वे पता चलेगा चीजों को बनाने का, कम से कम समय में क्या मेथड हो सकता है, क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है, क्या ट्रिक्स हो सकता है। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत।